जानेंगे टाटा मोटर शेयर को लेकर। टाटा मोटर्स पर सवाल है इनका। 70 शेयर्स हैं इनके पास और 200 पर इन्होंने लिया हुआ है, तो काफी अच्छे लेवल्स पर इन्होंने एंट्री की है। स्टॉक इस वक्त तो अपने लाइफ टाइम हाई के पास कारोबार कर रहा है, 625 के पास है। क्वांटिटी थोड़ी कम ले ली थी इन्होंने, वरना मुनाफा और भी ज्यादा दिख नजर आता। हालांकि अभी भी अच्छे मुनाफे में है, करीब 30,000 के आसपास का इनको मुनाफा इस स्टॉक में हो रहा है टाटा मोटर्स। तो फंडामेंटल स्टोरी तो बहुत ही बढ़िया है स्टॉक की। टेक्निकल चेक एक बार ले लेते हैं कुणाल से। कुणाल क्या करें, 625 पर तो आ ही चुका है। अगर मान लीजिए, क्योंकि ये सवाल जो हमें आया है सोशल मीडिया पर आया है, अगर मान लीजिए शॉर्ट टर्म नजरिया ही है, तो फिर क्या लेवल्स ये वॉच करें टाटा मोटर्स पर? से हमने इस काउंटर में बहुत ही अच्छी रुझान देखी। इनफैक्ट जो ब्रेकआउट आया था 460, उसके बाद इस काउंटर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 625 से 630 के लेवल स्क्रीन पे दिख गए। और अब रीसेंट अगर बिहेवियर की बात करें तो 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले काउंटर ने 585 की बॉटम बनाई थी और अब 630-635 पे पहुंचा है। एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म व्यू का नजरिया तो हमारे व्यूअर का नहीं लग रहा है, बिकॉज इन्होंने बहुत ही लंबे समय से इसे होल्ड किया है। आई थिंक इस काउंटर में बने रह सकते हैं, इसमें ट्रेंड तो बहुत ही अच्छा है। एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा और वो है 580 के लेवल का। अगर ये काउंटर 580 के नीचे जाता है तो शायद ये जो मैसिव ट्रेंड ओपन हुआ है इसे पहला चैलेंज होगा, तब हम रिविजिट करने की सलाह देंगे और फिर तभी किसी एक्सपर्ट की सलाह लेके अपनी पोजीशन मॉडिफाई करिए। बट एज ऑफ नाउ इस काउंटर में बने रह सकते हैं। एक छोटी सी सलाह ये भी होगी कि बहुत ही नीचे के लेवल पे बाइंग थी, अपना कैपिटल विड्रॉ कर लें, बाकी पोजीशन होल्ड करें। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलते हैं। ये काउंटर नजदीक के समय में क्या अगले 1 साल तक की इनकी बाइंग प्राइस पे तो डेफिनेटली नहीं दिखता है। सो कैपिटल विड्रॉ कर लीजिए, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए भी इस काउंटर को रख सकते हैं। तो क्लियरली कोई दिक्कत नहीं है टाटा मोटर्स में, चाहे तो स्टॉप लॉस लगाइए, चाहे तो अपना जो कैपिटल आपने जो पूंजी लगाई होगी टाटा मोटर्स में खरीदारी करने के लिए, चाहे तो वो आप विड्रॉ कर सकते हैं और बाकी बची हुई जो राशि है उसमें आप निवेशित रहिए। कोई दिक्कत नहीं है टाटा मोटर्स में, बने रहिए स्टॉक में।